तुम कहते हो कि जब तक सेशन में होते हो, सामने होते हो, तब तक बात समझने भी आती है, ठीक भी लगती है, लेकिन बाहर जाते ही हकीकत कुछ और दिखाई देती है, और बाहर जाते ही ये बातें काम नहीं आती हैं। जब वास्तव में इनकी जरूरत पड़ती है उस वक्त ये सब काम नहीं आती, भूली जाती है, और बाहर तमाम ताकतें हैं जो इन बातों के विरोध में खड़ी हैं, जो तुम्हें इन पर चलने भी नहीं देती है। ठीक है ना, ये सब मिली जुली बातें हैं। जब ये घटना घटती है तो तुम्हें शायद ऐसा लगता होगा कि तुम बाहर कमजोर पड़ जाते हो। जिसने भी मुझसे ये सवाल पूछा है उसका आशय यही रहा है कि जब तक तो हम सुन रहे हैं तब तक सब ठीक है, गड़बड़ बाहर हो रही है। तुम्हारा कहना यह है कि जब तक तुम यहां बैठे हो तुम्हें सब समझ में आ रहा है और तुम्हें सब ठीक लग रहा है, लेकिन गड़बड़ बाहर हो रही है ना। अगर कोई मरीज किसी अस्पताल में हो और अस्पताल से बाहर निकलते ही उसे जल्दी से दोबारा वही बीमारी लग जाए जिसके लिए अस्पताल आया था, फिर अस्पताल आए, फिर उसे लगे कि मैं ठीक हूं और बाहर जाए और फिर उसे बीमारी लग जाए, तो क्या वो कभी भी ठीक हुआ था? क्या उसका ये दावा करना उचित होगा कि बीमारी उसे बाहर लग रही है? सच तो ये है कि वो कभी ठीक ही नहीं हुआ था, उसे भ्रम हो जाता था कि मैं ठीक हो गया। दिक्कत बाहर नहीं हो रही है, दिक्कत अंदर हो रही है। तुम्हारा ये दावा कि जब तुम यहां हो तब तुम्हें सब समझ में आता है, ये दावा ठीक नहीं है। जब तुम यहां हो तब अगर तुम पूरे ध्यान में डूब गए होते, तुमने ईमानदारी से अपने आप को खोल दिया होता, बातें पूछ ली होती, स्पष्टीकरण ले लिए होते, तो तुमको बाहर दिक्कत आती नहीं। बाहर दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि जब तुम भीतर होते हो तो पूरी तरह मौजूद नहीं होते। दिक्कत बाहर नहीं है, दिक्कत यहां पर है। मैं अभी तुमसे कुछ बातें कह रहा हूं, तुम में से कुछ लोग ध्यान में डूबे हुए हैं, कुछ लोग ध्यान में नहीं है। अब अगर वो बाहर जाए और फिर थपेड़े खाएं और फिर गिरे और फिर उन्हें चोट लगे, तो क्या उनका ये कहना उचित होगा कि अंदर तो सब समझा पर बाहर सब भूल गए? तुमने अंदर समझा ही कब? तुम तो कहीं और खोए हुए हो। तुमने कब समझा अंदर कुछ? जो अंदर समझ ही लेगा उसे कोई बाहर अब हिला नहीं सकता। ये तुम्हें एक मौका मिलता है और ऐसा मौका तुम्हें पहले मिला नहीं, मैं उम्मीद करता हूं आगे और मिले, पर संभावना कम है क्योंकि समाज उन्हीं बंदरों से भरा हुआ है जो तुम्हें मुक्त होने के मौके नहीं देंगे। वो तो दो ही काम जानते हैं, पहला तुमसे कहें कि तुम खोटे हो, तुम्हारे भीतर हीन भावना डालें, और दूसरा तुम्हें ये बता दें कि देखो बेड़ियों की दुकान उधर है, अपना सीवी लेकर के जाओ वहां बेड़ियां खरीद के लाओ। वो तुमसे नहीं कहेंगे मुक्त हो जाओ। ये तुमको एक खास मौका मिला है, इसको व्यर्थ मत जाने दो, पर तुम इसे फिसल जाने देते हो। उसके बाद तुम्हें ताज्जुब होता है कि बाहर जाते हैं और जो बात अंदर बिल्कुल ठीक लग रही थी बाहर पहुंचते ही उसकी हवा निकल जाती है। अंदर हमें लगा था कि हाँ यही बात ठीक है, लेकिन बाहर हम पहुंचते हैं और हमसे कोई तर्क करता है तो हमारे पास उसके तर्कों के जवाब नहीं होते। तुम में से कुछ ने मुझसे कहा कि उन्होंने बाहर जाकर के अपने दोस्तों से, ऐसे दोस्त जो यहां नहीं पढ़ते हैं, कि बाहर जाकर के अपने दोस्तों से इस पर चर्चा करने की कोशिश की, पर तुम्हारे दोस्तों ने तुमसे दो चार सवाल पूछे, दो चार तर्क दिए, आर्ग्यूमेंट, और तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं था। तुम्हारे पास जवाब आएगा कहां से? क्योंकि असली जवाब तो असली समझ से उठता है। तुमने समझा नहीं था, तुम्हें बस लग गया था कि तुमने समझ लिया है। तो फिर इसीलिए जब तुम्हें कोई तर्क दे देता है तुम फंस जाते हो, और जब तुम फंस जाते हो तो तुम्हें लगता है अरे बात ही झूठी थी, हम फंस गए। यहां समझो, यहां पूरी तरह मौजूद रहो, और ये ख्याल ही मन से निकाल दो कि बाहर क्या होगा,
बाहर की परिभाषा ही क्या है यही बदल जाएगी। बाहर तुम्हें जो ताकतें बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं, उनका बड़ा लगना बंद हो जाएगा। अभी तो तुम्हें छोटी से छोटी बात भी बहुत बड़ी लगती है, क्योंकि तुम अपने आप को छोटी से छोटी बात से भी छोटा समझते हो। अभी तो तुम्हारी हालत यह है कि सड़क पे चलता आदमी भी तुमसे आगे भी कुछ कह देता है, तुम व्यथित हो जाते हो। अभी तो तुम्हारी हालत यह है कि जिसको तुम जानते भी नहीं, वो भी अगर आकर के तुमसे कह दे कि अरे तुम्हारे ठहरने बड़े गलत है, तो तुम्हारे भीतर संदेह उठने लगता है। वो आदमी छोटा, लेकिन तुम अपने आप को उससे भी छोटा माने बैठे हो। समस्याएं बड़ी नहीं है, याद रखना, तुम अपने आप को छोटा मानते हो। और जब आदमी अपने आप को छोटा मानता है तो तुलनात्मक रूप से बाकी सब कुछ अपने बड़प्पन को पालो, अपनी विशालता को जान लो, उसके बाद बाहर की ताकतें तुम्हें दबा नहीं पाएंगी। अगर बाहर तुम पाते हो कि तुम्हारा बार बार शोषण होता है, तुम्हें दबना पड़ता है, और तुम्हारे भीतर ये हिम्मत उठती ही नहीं कि सामना कर पाऊंगा, तो उसकी वजह ये नहीं है कि बाहर की दुनिया बड़ी खौफनाक है। उसकी वजह ये बिल्कुल भी नहीं है कि बाहर की तंत्र व्यवस्थाएं या लोग बड़े शक्तिशाली हैं। उसकी वजह यह है कि तुम्हारी हालत बहुत खराब है, कि तुम बहुत छोटा समझते हो अपने आप को, और छोटे तुम हो नहीं। और इससे ज्यादा और कोई बात तुमको चुभती नहीं कि हम छोटे नहीं हैं, क्योंकि छोटा होने में तुमने खूब फायदे ढूंढ लिए हैं। अभी तुम्हें बहुत छोटा सा बच्चा हूं, बाबा पैसे दो, अभी तुम्हें बहुत छोटा सा बच्चा हूं, मुझे सारी सुख सुविधाएं दो, छोटा होने में तुमने खूब फायदे ढूंढ लिए हैं। इसीलिए जैसे ही तुमसे आदमी कहता है कि छोटा होना तुम्हारा स्वभाव नहीं और छोटे तुम हो नहीं, अपनी अपरिमितता को जानो, तो तुम्हें बात मिर्ची की तरह लगती है, मुंह बनाते हो, तुम्हें मन करता है भागो किसी तरीके से, कसमसा जाते हो। क्योंकि अगर अपना छुटपन छोड़ोगे, अगर अपनी क्षुद्रता अपनी हीनता छोड़ोगे, तो साथ ही तुम्हें अपनी सुविधाएं भी छोड़नी पड़ेगी, और इन तुच्छी सुविधाओं के लालच में तुम अपनी मुक्ति को बेचे हुए हो। तुच्छी सुविधाएं, सोने को एक बिस्तर मिल जाए, कुछ नाम रहे, थोड़े बहुत पैसे मिल जाए, एक मानसिक रक्षा बनी रहे, इन जरा सी बातों के लिए तुम अपने आप को हर प्रकार की परेशानी बंधन में डालने के लिए बिल्कुल तैयार हो। और कोई बात नहीं, लालच, और लालच भी किन बातों का, बस यही जरा जरा सी, कुछ विशेष तुम्हें मिल भी नहीं रहा, लेकिन डरे हुए हो कि ये छूट जाएगा तो मेरा होगा क्या। एक आदत लग गई है कि कुछ भी करेंगे तो पूछ पूछ के करेंगे, पूछ के नहीं किया तो मेरा होगा क्या, अगर अपने पांव चल लिए तो मेरा होगा क्या। सिर्फ इस सुविधा के लालच में तुम अपने आप को छोटा मानने में राजी हो। और जब अपने आप को छोटा मानते हो तो जैसा मैंने कहा, बाकी सब कुछ बहुत बड़ा लगने लगता है, फिर सारी समस्याएं इतनी बड़ी लगने लगती हैं कि तुम पे हावी हो जाती है। जब भी कभी कोई समस्या बहुत बड़ी लगे, एक सवाल पूछना अपने आप से, समस्या बड़ी है या मैं छोटा अनुभव कर रहा हूं। उत्तर, ईमानदार उत्तर हमेशा एक ही मिलेगा, समस्या नहीं बड़ी है, तुम अपने आप को बहुत छोटा मानते हो। और छोटा मानने का जो कारण है वो बता दिया, लालच, बिना बात का लालच। जो लालच छोड़ने को तैयार है उसके ऊपर कोई हावी नहीं हो सकता। जो लालच में नहीं फंस रहा उसको फंसाया नहीं जा सकता। एक ही तरीका है जिसके द्वारा दुनिया तुम पे राज करती है, तुम्हें लालच दिखा दिखा के।
तुम्हें पहले हीन भावना में डाला जाएगा और फिर तुम्हें लालच दिया जाएगा कि अब हम तुम्हें कुछ दे सकते हैं। पहले तुमसे कहा जाएगा कि तुम्हारे पास कुछ है नहीं, और फिर तुमसे कहा जाएगा जो तुम्हारे पास है नहीं वो तुम्हें हमसे मिलेगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और तुम अज्ञान में और लालच में फंस करके खींचे चले जाओगे, खींचे चले जाओगे, अपने आप को बेचे चले जाओगे। और ये कहानी जिंदगी भर चलती है। दो बातें, पहली ये मत सोचना कि भूल बाहर हो रही है, भूल यहां होती है, तुम यहां ध्यान में नहीं हो। यहां जो ध्यान में आ गया, यहां जिसने समर्पित होकर के सुन लिया, उसे बाहर नहीं हारना पड़ेगा। और दूसरी बात, बाहर की समस्याएं बड़ी लगती हैं क्योंकि तुमने अपने आप को लालचवश और छोटा बना रखा है। एक सीधा साधा बिना किसी घुमाव का सच अगर कड़वा लगता हो तो क्या इसका यही अर्थ नहीं है कि हमने झूठ में जीने की आदत बना ली है? जो मैं बात कह रहा हूं उसमें कोई पेंच नहीं है, बात बहुत सीधी है, बहुत बहुत सीधी है। और ये सीधी बात अगर तुम्हें पचती नहीं है तो इसका क्या यही मतलब नहीं है तुमने जिंदगी अपनी बहुत टेढ़ी कर रखी है और दिमाग सिर्फ टेढ़ी चाले चलना जानता है? एक टेढ़े डब्बे में एक सीधी लकीर फिट होगी कैसे? डब्बा टेढ़ा टेढ़ा है, उसमें कुछ भी सीधा रखोगे कैसे? अब मन का ढांचा अगर बिल्कुल टेढ़ा टेढ़ा हो चुका है तो उसमें मेरी सीधी बात समाती ही नहीं। और बात इतनी सीधी है कि एक बच्चा बल्कि ज्यादा आसानी समझ लेगा क्योंकि उसका मन निर्दोष है, वो समझ लेगा। और तुम कहते हो ना हमें अच्छी नहीं लगती, और तुम कहते हो देखिए तेंदुलकर को बड़ी नहीं अच्छी लगती थी, हमें आपकी बात नहीं अच्छी लगती, क्या फर्क है? तुम्हें फर्क दिखाई नहीं दे रहा। मैं गणित की नहीं, मैं जीवन की बात कर रहा हूं। गणित के बिना जी सकते हो? जीवन के बिना जी सकते हो? तो फिर कैसा तर्क देते हो?